हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमिज्म में हमने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री करवा दिया। अब तीसरे पॉइंट्स हम कैजुअल करवा रहे थे, ये भी लगभग फिनिश्ड है। लास्ट एग्जांपल जो हमने आपको छोड़ के गया था कि लास्ट एग्जांपल कैसे चेक करेंगे, तो वो मैं लास्ट एग्जांपल किसी को डाउट रह गया था तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान से, अब इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है तो ये तो कभी कैजुअल हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता ना। यहाँ दो हाइड्रोजन है तो कभी कैजुअल नहीं हो सकता है। तो इस दोनों हाइड्रोजन के बारे में, कार्बन के बारे में तो हम सोचेंगे भी नहीं। ये दो कार्बन अकैजुअल है, बराबर है क्या? अब यहाँ पर देखो, दो हाइड्रोजन यहाँ भी है तो ये भी कार्बन क्या है? अकैजुअल है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां मैंने पॉइंट आउट किया है वो कार्बन कभी कायरल नहीं हो सकता, वो कार्बन अकायरल है। अब बात करते हैं इस कार्बन का। चलो, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये मान लो हमारे लिए ए है। अब हम बी सी और डी की सर्चिंग कर रहे हैं कि बी सी डी क्या है। तो यहां से तीन ग्रुप लगा हुआ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यानी ये इसी में से हम इसको B मान लेते हैं, C मान लेते हैं और D मान लेते हैं। अब B, C, D में सिमिलरिटी चेक करते हैं कि सिमिलरिटी है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? यहां से इधर गए तो कार्बन मिला, इधर से इधर गए तो कार्बन मिला। पहले इसमें और इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन नहीं है। यानी बी और डी डिफरेंट है, बी और डी इक्वल नहीं है, सिमिलर नहीं है। यहां से यहां गए तो कार्बन मिला, यहां से यहां गए तो कार्बन मिला। यानी C और D भी इक्वल नहीं है, क्योंकि कार्बन मिला और कार्बन पे क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। कार्बन पे क्या है? क्लोरीन है। तो C और D भी सिमिलर नहीं है। अगर हम बात करें B और C का, तो B और C में देखो, यहां से इधर गए कार्बन मिला, यहां से इधर गए तो कार्बन मिला, मिला ना। फिर दूसरे पे कार्बन मिला और दूसरा पे यहां पहुंच गए तुम। यहां से जब तुम चले थे, यहां जब तुम आए तो पहला कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये दूसरा कार्बन यहां इसका गिर रहा है। इसका मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप भी सिमिलर नहीं है, बराबर है क्या? ठीक है। तो कहने का मतलब है बी और सी भी सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहां से एक कार्बन, यहां से एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन इसका ये है, दूसरा कार्बन इसका ये है। तो ये दोनों ग्रुप कभी सिमिलर नहीं हो सकते। यानी यहां से यहां में इसके एक ही कार्बन मिल रहा है, यहां से यहां में दो कार्बन मिल रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो कार्बन है वो काइरल है। ध्यान से देखना, ये कार्बन क्या है? काइरल है। लेकिन इस कार्बन के बारे में थोड़ा सोचो, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में। चलो यहाँ पे मान लेते हैं हाइड्रोजन है और इसको मान लेते हैं बी सी और डी। तो बी और डी में तो सिमिलर नहीं है ना, समझ में आ गया? क्यों नहीं है? क्योंकि ये कार्बन है और ये कार्बन है, हाइड्रो क्लोरीन लगा हुआ है। सी और डी में तो सिमिलरिटी नहीं है ना, क्योंकि सी यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, क्लोरीन है। और बी और सी के बारे में देखो क्या है, एक कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। यानी बी और सी यहाँ सिमिलर है तो ये कार्बन काइरल नहीं होगा, दिस वन इज नॉट ए काइरल कार्बन। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन काइरल हो गया, लेकिन ये कार्बन काइरल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां से यहां आने में दो कार्बन मिला इसको, और यहां से इस रास्ते से आने में दो कार्बन मिला है। जबकि यहां से देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे यहां एक कार्बन मिला है और इधर से दो कार्बन मिला है, इसीलिए कार्बन का ग्रुप अलग मान लिया जाता है। और ये कार्बन का ग्रुप, ये वाला और ये वाला सिमिलर है, इसलिए ये कार्बन अकायरल है और ये वाला कार्बन काइरल है। समझ में आ गया होगा? तो ये तो कार्बन कभी काइरल हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
जब ये हो गया है तो ये भी हो जाएगा। अबे नहीं सर, ये तो ये सिमिलर एक ही जैसा है ना, नहीं ये क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, तो देखोगे तो ये अगर कार्बन है तो ये भी काइरल कार्बन है, बराबर है क्या? ये भी है और ये भी है। अब इसके बारे में सोचे हम, तो देखो इसके बारे में सोचे तो एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, हाइड्रोजन ए और बी तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं सी और डी का, तो इधर से ये जा रहा है और इधर से ये जा रहा है। चलो इसको अलग बना दो क्या, चलो इसको अलग बनाता हूं। ये दोनों समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। एक काइरल है और एक काइरल है, ये काइरल नहीं, एक काइरल नहीं, एक काइरल नहीं है, ये भी नहीं काइरल है, नहीं है ना, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन है इन पे, बाकी बचा एक और दो, तो ये दोनों तो एक जैसे है, एक जैसा नहीं है मतलब, लेकिन इसमें भी डिफरेंट आएगा। यहां पर हाइड्रोजन है तो इसको ए मान लो, और इसको बी जो माने हो, बी सी डी, तो बी सी डी ही रहने दो। बी और सी में सिमिलरिटी नहीं है, सी और डी में सिमिलरिटी नहीं है, बी और डी में सिमिलरिटी नहीं है, यानी इस कार्बन के लिए भी सिमिलरिटीज नहीं है और इस कार्बन के लिए भी सिमिलरिटीज नहीं है। तो कहने का मतलब है इस चारों ग्रुप डिफरेंट गिर गए, तो ये काइरल होगा। अब इस कार्बन के बारे में चेक कर लेते हैं, यहां पर मैं कर दे रहा हूं क्योंकि वहां पर थोड़ा सब कुछ उसी के अंदर हो जाएगा। यहां पर कार्बन देखो, यहां पे ऐसा ही है ना। अब देखो ध्यान से, हम क्लोरीन वाला कार्बन को देखते हैं, तो क्लोरीन वाला कार्बन पे एक तो क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। अब हमें सी और डी की तलाश है, सी और डी, ये मान लो सी और डी। अब सी और डी के बारे में पता लगाते हैं कि सिमिलर है कि नहीं है, तो यहां से गए तो कार्बन मिला, यहां से गए तो कार्बन मिला, बराबर है क्या? लेकिन ये कार्बन और इस कार्बन में डिफरेंस है, पूछो क्यों? जैसे यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, वहां पर एक ग्रुप लगा हुआ है, इस पे एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, यानी ग्रुप अलग लगा हुआ है, ग्रुप अलग शो कर रहा है। इसका मतलब सी और डी कभी बराबर नहीं हो सकता है, यानी इस रास्ता से जो हम चले थे और इस रास्ता से जो चले थे हम, तो सी और डी कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये भी एक कार्बन काइरल है। इस कंपाउंड में तीन काइरल कार्बन आ जाएंगे, एक दो और तीन, ठीक है? तो हमने तीनों आपको बता दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कोई भी बता सकता है कि कार्बन जरूर है, ये भी कार्बन जरूर था, लेकिन इस पे एक कार्बन लगा हुआ है, इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये ग्रुप बिल्कुल इससे अलग है। क्यों नहीं अलग है? कार्बन पे कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो क्या मैं इस कार्बन को सेम मानूंगा? नहीं मानूंगा, कभी नहीं मान सकता मैं। एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, कार्बन पे कार्बन लगा हुआ है, तो इस कार्बन को सेम बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस पे दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पे एक कार्बन लगा हुआ है, ये 1 डिग्री है और 2 डिग्री, ऐसे ही बोल सकते हो, ये 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो इसमें भी 1 डिग्री और 2 डिग्री में भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो अगर वैसे हम बात करें तो ये कार्बन जो है 2 डिग्री हो गया और ये कार्बन 3 डिग्री हो गया, तो उसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया कि ये कार्बन एक कार्बन से दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन से घिरा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया, तो ऐसे भी बोल सकते हो, बराबर है क्या? हाइब्रिडेशन अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो कार्बन को, तो कार्बन का सिमिलरिटी कैसे देखना है? हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग 1D 2D 3D के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, वो भी अलग माना जाएगा, बराबर है? इस तरह से ये डिफरेंट है। तो इस कंपाउंड में तीन तीन कार्बन मिल गए। अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें जब बात करेंगे तो एक कार्बन आपको, ये जो कार्बन है वो काइरल नहीं गिरा, बराबर है क्या? तो इसके बारे में तो हम बात करेंगे नहीं, इसके बारे में नहीं करेंगे, 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 क्यों? क्योंकि सब पे दो दो हाइड्रोजन है और दो दो हाइड्रोजन वाला कभी काइरल हो नहीं सकता है, ठीक है? अब बात करेंगे इसके बारे में, कर लिया हमने, इसके बारे में अगर करेंगे तो इसके बारे में हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहां से इसके लिए बी और सी क्या होगा? सेम गिरेगा, बी और सी सेम गिरेगा ना, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यानी इसमें भी बी और सी क्या गिर रहा है? सेम, ये भी कार्बन काइरल नहीं है, बराबर है क्या? अब इसमें एक भी नहीं अभी दिख रहा है। अब इस क्लोरीन वाला पे चेक करते हैं, क्लोरीन वाला पे चेक करो, तो क्लोरीन वाला पे अगर चेक करेंगे, क्लोरीन वाला पे अगर चेक करेंगे तो देखो यहां क्लोरीन है, बराबर है क्या? तो इसको एक हाइड्रोजन भी होगा, ए मान लो और बी मान लो। अब सी और डी के तलाश करते हैं, तो सी इधर से जाओ और डी इधर से जाओ, मान लेते हैं, तो इधर से गए तो कार्बन, और ये कार्बन कैसा है? 3 डिग्री, और इधर से गए तो कार्बन, ये कितना है? 2 डिग्री, ये दो कार्बन से घिरा हुआ है,
ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, यानी सी और डी क्या है, अलग अलग है, नॉट सिमिलर। ए और बी तो आपस में इक्वल था ही नहीं, और सी और डी आपस में इक्वल है ही नहीं, और सी भी आपस में इक्वल नहीं है, डी भी आपस में इक्वल नहीं है, यानी चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये कार्बन क्या है, काइरल है, इसके अंदर एक ही काइरल कार्बन होंगे। तो अगर तुम्हें एग्जाम्पल आता है तो इसके अंदर 3 काइरल कार्बन होंगे और इसके अंदर 1 काइरल कार्बन होगा, ये वाला। ये आपको क्लियर क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक करना है, ओके ना? तो आप इसमें गलती मत करना, कैसा भी अगर आपको दे दिया जाए, बराबर है क्या? ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल, कैसा भी दे दिया जाए तो आपको लॉजिक यही होना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे चेक करेंगे, वन बाय वन कैसे चेक करेंगे, ए बी सी डी ग्रुप कैसे चेक करना है हमें। तो कार्बन पे 1 डिग्री 2 डिग्री भी चेक करना है, कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ गया तो हम डिफरेंट ग्रुप मानेंगे, बराबर है क्या? बराबर है ना? तो चेक कर लोगे आप सारे कैसे कैसे जाके चेक करना है काइरल, ठीक है? तो अब हेडिंग डालो, ये तीसरा हमारा खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो राइट डाउन आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अच्छे से क्लियर हो गया, अब बार बार डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करो, ये नहीं कि एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे तो तब ऑर्गेनिक सीख नहीं पाओगे। अगर ऑर्गेनिक तुम्हें सीखना है तब, बाय हर्ट करना है तब, तुम्हें ऑर्गेनिक को डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो याद रखो कि 2 दिन अगर तुम्हें ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में, खासकर स्टार्टिंग में जब तुम लर्निंग फेज में हो और तुम सीख रहे हो, अगर 2 दिन तुम उसको 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो कम से कम ये टारगेट बना लो कि डेली बेसिस पे उस टॉपिक का 10 से 5 क्वेश्चन हमें लगाना है। जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे 10-5 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कीजिए और लगाइए, इंटरेस्ट क्रिएट करो आप, तब जाके उसमें आपको डेप्थ बढ़ेगी। अदरवाइज ये फिजिकल का जैसा नहीं है कि हम पढ़ के छोड़ दिए बाद में रिवाइज कर लेंगे, सब कुछ उधर से गुम हो जाएगा। अब नोमेनक्लेचर उठा के कम से कम तुम्हें रिवाइज करने, चाहे एग्जाम हो या ना हो, नोमेनक्लेचर का एक टॉपिक उठाओ उसका रिवाइज कर लो, रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन बनाओ एट ए टाइम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पढ़ के तुरंत क्वेश्चन बनाओ, बैक साइड से रिवीजन भी लेके चलो इसका, और नहीं लेके चलोगे तो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर तुम डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें 2 से 3 मंथ के अंदर ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और कुल मिला के ये लिख लो कि नीट और जेई में अगर केमिस्ट्री में अगर मार्क्स लाने हैं तो ऑर्गेनिक उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक निकल जाता है, ऑर्गेनिक में छोटे छोटे गलतियां कर बैठते हैं और इसके वजह से निगेटिव मार्किंग हमें मिल जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक छोटा छोटा मिस्टेक कराता है। तो इसके लिए तुम्हें अभी से प्रिपेयर करना है, बाद में नहीं हो पाएगा, एट ए टाइम प्रिपेयर करो। अब बैक साइड से रिवाइज भी लेके चलो, वो अपना टारगेट बनाओ कि हमें कैसे रिवाइज करना है, किस टाइम पे किसका एग्जांपल का हमें रिवाइज करना है, और 2 टॉपिक ज्यादा नहीं, छोटे छोटे पार्ट में रिवाइज करो, ठीक है? 1 टॉपिक लेके बैठो और उसको पढ़ो और पढ़ के रिवाइज करो उसको, रिवाइज करने के बाद उसका क्वेश्चन बनाओ एट ए टाइम, जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ के छोड़ दिए, अब सोचो कि बाद में हम पढ़ लेंगे, तो ये तो कभी नहीं आने वाला है। ऑर्गेनिक एट ए टाइम माइंड में होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, और लॉजिक बार बार रिपीट करोगे तो और क्लियरिटी बढ़ेगी। ये चीज मैं जो बता रहा हूँ ध्यान में सुनना, ऑर्गेनिक पढ़ने अच्छा करना है तो, अगर तुम्हें नीट और जेई में सिलेक्शन चाहिए तो, कोई बोलता है कि केमिस्ट्री में बहुत आसान होता है, इजी में ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो ज्यादा मार्क्स लाना है तो, नहीं लाना है तो कोई बात ही नहीं है, इसके लिए तो बहुत सारे उपाय है। तो लाना है तो ये करना पड़ेगा तुम्हें, और ये बाद में नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट लिखो आर एस कॉन्फ़िगरेशन। जैसा हमने ज्योमेट्रिकल में ई जेड पढ़ा था वैसे ऑप्टिकल में आरएस पढ़ेंगे, और ये आरएस का इतना यूज है कि हम ऑप्टिकल आइसोमिज्म के बारे में 90% क्वेश्चन हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन में सोल्व कर देते हैं, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री आए या ना आए, सेंटर ऑफ सिमेट्री आए या ना आए, काइरल आए या ना आए, हम काइरल के बारे में आसानी से आ जाता है। हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के 90% क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमिज्म में हम बता देते हैं, बराबर है क्या? कुछ ही क्वेश्चन जो है वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं निकल पाता है, लेकिन 90% क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आरएस पे सोल्व हो जाता है। तो ध्यान से सुनो आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक तो काइरल कार्बन होना है जरूरी है, काइरल कार्बन होना जरूरी है, यानी चारों कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होना जरूरी है। तो यहां लेते हैं दिस वन इज कार्बन, यहां लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है, उल्टा लिख दो मैंने, ए बी सी और डी, ध्यान देना। अगर
ये चार ग्रुप लगा हुआ है ए बी सी डी। अब तुम ए बी सी डी के मैं तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नंबरिंग करना बताया था, उस पर ई और जेड के लिए मैं तुम्हें नंबर देने के लिए बताया था, जिसका मास ज्यादा होगा एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम नंबर वन देते थे और जिसका कम होता था वो नंबर टू देते थे। सेम टू सेम वही काम करना है, यहां भी आप नंबर वन टू दोगे, बराबर है। तो ए बी सी डी में हटा देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं, चाहे ए बी सी डी रहने दो, ए बी सी और डी। अब ये ग्रुप लगा हुआ है, चार डिफरेंट ग्रुप है, ए बी सी डी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी, आइसोटॉप्स भी चलेगा इसमें। अब हम जब नंबरिंग किए, मतलब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम जब वो सेलेक्ट करना, मैं तुम्हें बता दिया कि पहला एटम सिमिलर होगा तो दूसरे पे जाना है, दूसरा सिमिलर तो तीसरे पे जाना है, वो मैंने आपको रूल बताया हूं। तो नंबरिंग करते समय कुछ ऐसा आया कि फोर इस पे गिरा, वन इस पे गिरा, टू इस पे गिरा, थ्री इस पे गिरा, ऐसे कुछ गिरा, फोर इस पे गिरा, वन टू थ्री इस पे गिरा। तो तुम फोर को हाइड करो, फोर हमारा है, हम फोर के पास खड़े हो गए हैं। अब फोर के पास खड़े होकर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करें तो हमारा ये वन टू थ्री ये क्लॉक वाइज जा रहा है। तो अगर क्लॉक वाइज जाएगा, वन टू थ्री क्लॉक वाइज जाएगा, क्लॉक वाइज अगर मुड़ रहे हैं हम, तो उसको आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर। अगर इसी एग्जाम्पल्स को मैं यहां लिखूं और यहां ग्रुप लगा हुआ है और यहां वन नंबर है, ठीक है, हमने अगर एबीसीडी लिखा, एबीसीडी मान लो ये एबीसीडी, एबीसीडी अलग है, चाहे अलग अलग भी लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं ई एफ जी एच, यहाँ फोर गिरा, यहाँ थ्री गिरा, यहाँ टू गिरा, यहाँ वन गिरा, तो तुम फोर पे खड़े हो गए। अब फोर पे खड़े हो गए तो ऑब्जर्व करो, वन टू थ्री कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, तुम्हें वन टू थ्री देखना, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, हमेशा वन टू थ्री देखना है। चार पे तुम खड़े हो जाओगे हमेशा और वन टू थ्री देखोगे, तो वन टू थ्री कैसे जा रहा है, वन टू थ्री एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, तो यहां एंटी क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज है। जब एंटी क्लॉक वाइज है तो इसको हम बोलेंगे एस, ठीक है। तो घड़ी के क्लॉक वाइज जाएगा तो हम आर बोलेंगे और एंटी क्लॉक वाइज जाएगा तो एस बोलेंगे, यही इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात रहा वन टू थ्री कैसे हम नंबरिंग करेंगे वो मैं अलग से सिखाऊंगा, बट आर को कब बोलेंगे, आर जब वो क्लॉक वाइज मुड़ाएगा, यानी वन टू थ्री, यानी वन टू थ्री जाते समय क्लॉक वाइज जा रहे हैं हम, हमें जाना कहाँ है, चार पे खड़े हो जाना है और वन टू थ्री को ऑब्जर्व करना है। अगर वन टू थ्री क्लॉक वाइज गया तो आर बोलेंगे, अगर वन टू थ्री एंटी क्लॉक वाइज गया तो हम एंटी बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज बोले, बराबर। अब ध्यान देना, नेक्स्ट ये था पहला केस नंबर वन, केस नंबर वन और केस नंबर टू। अब ध्यान रहे, चार या तो नीचे रहे या तो ऊपर रहे चलेगा, क्योंकि ये नीचे रहे या ऊपर है, ऊपर आएगा तो उसको पलट के नीचे कर दो। अब बात रहा लेफ्ट और राइट रहेगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना। अब केस नंबर थ्री में अगर मैं ये एग्जांपल लू और यहां लिख दू, चलो ए बी सी डी लिखता हूं, ए बी सी डी, ये है चार नंबर और ये वन टू थ्री है। अब चार नंबर नीचे नहीं रह के, नीचे और ऊपर एक ही बात है, अब नीचे नहीं रह के इधर रह रहा है लेफ्ट, अब लेफ्ट और राइट एक ही बात है कि ये जो कैप इधर है उस कैप को हम उठा के ऐसे रख सकते हैं ना, बात तो एक ही है ना। तो लेफ्ट और राइट के लेफ्ट देखो, अगर चार यहां पर आ गया है और तुम वन टू थ्री जा रहे हो तो तुम जा कैसे रहे हो, क्लॉक वाइज, यानी क्या होना चाहिए, आर, लेकिन तुम्हें बोलना पड़ेगा एस, यानी आर को तुम उल्टा बोल दोगे, तुम जा रहे हो क्लॉक वाइज तो क्या बोलोगे, आर, लेकिन जब चार यहां पर रहेगा, फोर यहां पर रहेगा, तो फोर यहां पर रहेगा तो आर को क्या बोलोगे, एस, उल्टा बोलोगे, बराबर है। अगर यहीं पर तुम्हारा फोर्थ नंबर यहां है, ए ए डी सी बी, यहां फोर्थ नंबर है, यहां थ्री है, यहां टू है, यहां वन है, कैसे जा रहे हो तुम, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, तो एस है, लेकिन चार अगर यहां रहेगा तो एस को क्या बोल दोगे, उल्टा बोलोगे,
बराबर है। तो कुल मिला के ये है कि नीचे रहे या ऊपर रहे, बात एक ही है, लेफ्ट रहे या राइट रहे, बात यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पे एक है। तो अगर नीचे रहेगा, तो ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूं, अगर नीचे रहेगा चार नंबर, चार नंबर अगर नीचे रहेगा, प्रसाद करना गिटे, ऐसा क्यों बताऊंगा सब बाद में, ऐसा क्यों हो रहा है, ये निकालने का एक तरीका है, एक रूल, रूल के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो बताया गया है, क्योंकि ये चीजें एक्सपेरिमेंट करके उसको जोड़ा गया है, क्योंकि हम, हमने तुम्हें ऑप्टिकल पढ़ाते समय क्या बोला था कि एक्सपेरिमेंट चीज को हमें थ्योरेटिकल में लाना है, तो उसके लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन, उसको पहले सारे कंपाउंड को ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व करने के बाद एक रूल बनाया गया है कि आर क्या है और एस क्या है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज हम जोड़ेंगे इसको बाद में। तो जो एक्सपेरिमेंट है उस थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच कराया गया, आइडियोलॉजी लिया गया, बार बार एक्सपेरिमेंट करके और देखा गया कि ये चीज़ बार बार आ रहा है, तो उसके रूल बनाया गया, तो वो रूल सिमिलरिटी मिल गया, तो मिला तो उसके अकॉर्डिंग आरएस निकल के आया है। तो आरएस को पहले सीख लो इसको, फिर हम उसको जोड़ेंगे उससे, अभी हमने ऑप्टिकल समय हमसे जोड़ा भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि चार अगर यहाँ है नीचे, तो क्लॉक वाइज चार अगर यहाँ है, तो मैं समरी यहां लिख रहा हूं, अगर चार यहां है, चार अगर यहां है और क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो हम आर बोलेंगे, अगर चार यहां है और एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो हम एस बोलेंगे, अगर चार यहां है और क्लॉक वाइज है तो आर बोलना चाहिए, तो हम उल्टा बोलेंगे एस, अगर चार यहां है और एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो एस होगा, तो हम आर बोलेंगे। यानी जब चार यहां रहेगा तो हमें उल्टा बोलना पड़ेगा, यहां रहेगा तो उल्टा नहीं बोलना, यहां रहेगा तो उल्टा बोलना पड़ेगा। यानी क्लॉकवाइज को हम आर बोलते हैं, लिख लेना, क्लॉकवाइज को हम आर बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को एस बोलते हैं। जब क्लॉकवाइज जाएंगे 1, 2, 3 से, तो अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या बोलेंगे, समझ में आ गया ये, तो लिख लो इसको, फिर एग्जाम्पल करते हैं। लिख लिए इसको, सिंपल है, अगर फोर्थ नंबर नीचे रहेगा तो तुम 1, 2, 3 विजिट करोगे, क्लॉकवाइज जाओगे तो आर बोलोगे, फोर्थ नंबर अगर नीचे रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज विजिट करोगे 1, 2, 3 से, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। चलो एग्जांपल समझते हैं, आसान है ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉक में एस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझो। चलो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये कायरल कार्बन है, इस पे चारों ग्रुप क्या लगा हुआ है, डिफरेंट। अब नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे हम, बराबर है क्या। तो यहां सबसे लोअर मास किसका है, या लोअर एटॉमिक नंबर किसका है, फ्लोरीन का, ये नंबर वन जाएगा। या ऐसा करते हैं, सॉरी, सबसे लोअर, सबसे हायर मास किसका है, हायर मास, हायर मास बोलो या एटॉमिक नंबर बोलो, एटॉमिक नंबर, सबसे हायर एटॉमिक नंबर किसका है, आयोडीन का, तो इसको नंबर वन जाएगा। उसके बाद 2, उसके बाद 3, सबसे लोअर वाले को 4 जाएगा। ये मैंने पहले ही सिखा चुका हूं ई और जेड में, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा उसको नंबर वन जाएगा, और जिसका लोएस्ट होगा मास, जिसका लोएस्ट मास होगा उसको नंबर 4 जाएगा। ये हमें सीक्वेंस आपको अरेंज करने के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, हायर मास को नंबर 1 आपको देना है, हायर मास को नंबर 1 देना आपको। तो यहां आयोडीन जो है वो नंबर 1 को जाएगा, ब्रोमीन उसके बाद आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद सबसे कम मास जो है वो फ्लोरीन का आता है, या एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, सॉरी यहाँ 4 जाएगा, ठीक है।
तो सबसे हाईर मास, उसके बाद सबसे कम वाला फोर नंबर। अब तुम यहां पर खड़े हो गए और तुम यहां से गए 1 2 3 विजिट किए, तो 1 2 3 कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो ये इस कार्बन को बोल देंगे ये आर है। अब आर का मीनिंग तुम्हें बाद में बताएंगे कि आर का मीनिंग क्या होता है, पहले कॉन्फ़िगरेशन सीख लो। दिस वन इज आर, ठीक है, क्योंकि हमने अभी लाइट को मोड़ा ही नहीं है। अगर मान लो हमने यहां लिखा ऐसे और इधर से उधर कर दिए, क्लोरीन यहां लिख दिए, जहां मर्जी करे वहां फोर्थ को लेकिन यहां बना के हम रख रहे हैं जानबूझ के, तुम्हें जहां मर्जी करे वहां लिख दो, लेकिन फोर्थ को अभी यहां नीचे ही रखो, क्योंकि एक पहले हम देख लेते हैं केसेज। अब इसमें नंबरिंग करो, तो वन नंबर इसको जाएगा, टू नंबर इसको जाएगा, थ्री नंबर इसको जाएगा और फोर नंबर इसको जाएगा। अब तुम यहां खड़े हो गए, अब तुम घूमोगे तो कैसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। यानी ये क्या है, एस है, ये आर है और ये एस है, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपाउंड तो सेम है, यही तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। इस चीज को मैं तुम्हें ऑप्टिकल से जोड़ूंगा लेकिन अभी नहीं जोड़ूंगा। एक ये लाइट को क्लॉक वाइज मुड़ेगा और ये लाइट को एंटी क्लॉक वाइज मुड़ेगा। ये डी है और ये एल है, यही डी और ये डी होता है और ये एल होता है, डेस्ट्रो एंड लिवो यही होता है। तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देगा और ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देगा, उससे जोड़ा गया है आरएस को। तो वो सब अभी छोड़ दो कि किसको क्या मोड़ा है, बस अभी आप क्या करो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, उसको मैं जोड़ दूंगा ऑप्टिकल से। तो फर्स्ट वी ट्राई टू सोल्व कौन आर है कौन एस है, जोड़ने के चक्कर मत रहो, अपने आप जोड़ दूंगा मैं। तो वहां 1 2 3 यानी ये क्लॉकवाइज मोड़ दिया, यानी ये लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ेगा। तो देखो एक चीज मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ, ये जो कंपाउंड है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी टाइप से नहीं है, COS नहीं है, ये काइरल कार्बन है या नहीं है, दिस वन इज काइरल कार्बन। तो इसका एक जो है, अगर एक लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ेगा तो दूसरा इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यही है, ये बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये क्लॉकवाइज लाइट को मोड़ेगा तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा, तो जो क्लॉकवाइज मोड़ेगा उसको आर बोलते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ता है उसको एस बोलते हैं। तो बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, लेकिन आइसोमेरिज्म ये आर और ये एस हो गया, जो कंपाउंड सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया इसका, बीच क्लोरीन इधर था इधर से इधर हो गया, 3D में स्ट्रक्चर अलग हो गया। स्ट्रक्चर होने की वजह से इस सॉल्यूशन में से लाइट पास करेंगे तो क्लॉकवाइज मुड़ाएगा और इस सॉल्यूशन में से लाइट पास करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ाएगा, और यही दोनों सॉल्यूशन को सेम कंसंट्रेशन में मिला देंगे तो रेसमिक बन जाता है, क्योंकि ये मुड़ाएगा क्लॉकवाइज और ये मुड़ाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो सामने वाला को लाइट ऐसे ही निकला हुआ दिखाई देगा तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। हम सब रिलेशन पढ़ेंगे, सॉरी उसको बोल देते हैं रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। तो मिजोफॉर्म, रेशमिक मिक्सचर, डाइस्टीरियोमर, इनेंसियोमर, अब हमारा आ चुका है, हम उस पॉइंट पर अब जा चुके हैं जहां पर हम अब सब चीज रिलेशन को निकालना होगा, बस आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से ऐसे फाइंड आउट कर लो, पहले फाइंड आउट करो, मैं जोड़ दूंगा सारे चीजों को। अब यहां देखो ध्यान से, इस एग्जांपल को मैं यहां फ्लोरीन लिख दूं, जहां मर्जी करे तुम वहां लिखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जहां मर्जी करे वहां लिखो तुम, बराबर है क्या, तुम्हारा जो मर्जी करे वहां लिखो। मैं जानबूझ के फोर और फोर को यहां रखा था, फोर को मैं यहां रख दिया हूं। अब नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट नंबर इसको, सेकेंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको, फोर्थ नंबर इसको। अब ध्यान दो, अब विजिट करो, तुम यहां खड़े हो गए, तुम्हें कहां विजिट करना है, 1 2 3 विजिट किए तो कैसा मुड़ा, एस जा रहा है, एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक वाइज कैसे होता है एस, तो एंटी क्लॉक वाइज एस होता है, तो एस होता है, लेकिन हम जब यहां पर फोर्थ नंबर रहेगा तो हम आर बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, बराबर है। अब मैं इसी कंपाउंड को ऐसा लिख दू, फ्लोरीन यहां लिख दू, अब मैं क्या करूं, यहां आयोडीन रखता हूं और यहां पर क्लोरीन रखता हूं, यहां ब्रोमीन रखता हूं और यहां क्लोरीन रखता हूं, इसके बारे में सोचता हूं मैं। अब इसके बारे में मैं सोचूंगा तो नंबरिंग करूंगा, तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर और ये 4 नंबर, तुम 4 नंबर पर खड़े हो गए। अब तुम 1 2 3 विजिट करो, इसको हाइड कर दो, ये तुम्हारे लिए नहीं दिख रहा, तो तुम्हें ये 1 2 3 4, तुम्हें 4 के बारे में सोचना भी नहीं है कि 4 पहले 4 कहां से आ गया,
फोर के बारे में तुम सोचना भी नहीं है, फोर पे तुम खड़े हो, जहां से तुम देख रहे हो अब तुम्हें ये दिख नहीं रहा है, तो तुम विजिट कैसे करोगे, वन टू थ्री, तो वन टू थ्री कैसे जा रहे हो, आर में जा रहे हो, लेकिन फोर नंबर यहां है, आर को क्या बोलोगे, एस बोलोगे, आर को क्या बोलोगे, एस। अब देखो ये एस है और ये क्या था, ये भी एस था, यानी अगर मैं इसको फर्स्ट बोलू, सेकेंड बोलू, थर्ड बोलू और फोर बोलू, तो इस कंपाउंड का दो ही आइसोमर्स पॉसिबल है, आर और एस। फर्स्ट वन इज सिमिलर टू थर्ड वन और सेकेंड वन इज सिमिलर टू फोर्थ वन, क्यों, इसकी इसका भी कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है, तो दोनों लाइट को सेम डायरेक्शन में मोड़ेंगे, यानी फर्स्ट फर्स्ट इक्वल टू थ्री और टू इक्वल टू फोर, क्योंकि ये दोनों आर है और ये दोनों एस है, तो फर्स्ट और थ्री इज आइडेंटिकल, वो सब बाद में हम रिलेशन बताएंगे, टू और फोर इज आइडेंटिकल, सेम है वो। तो कहने का मतलब इसका चार आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, इस कंपाउंड का दो ही आइसोमर्स पॉसिबल है, आर और एस, तीसरा जब बनाओगे तो इससे मैच कर जाएगा, क्योंकि इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आर ही है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन मैच कर गया तो हम सेम बोलेंगे, अगर कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं किया तो हम सेम नहीं बोलेंगे, इसलिए पहला और दूसरा आइसोमर्स है और सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सारे कंडीशन हम अभी आइसोमर्स पे गए भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जोड़ नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा बता दिया मैंने। तो सोचो अगर लाइट को कोई क्लॉकवाइज मोड़ेगा तो उसको आर बोलते हैं और लाइट को जो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा उसको हम एस बोलते हैं, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो इतना तुम्हें, वन इक्वल टू थ्री आर है, वन इक्वल टू फोर, टू इक्वल टू फोर एस है, आर एस तुम्हें निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर तुम फोर पे खड़े हो तो तुम सर वन के बाद फोर कैसे आ गया, यहाँ तुम हाइट कर लेना, यहाँ तुम्हें फोर नहीं दिख रहा है, तुम्हें वन टू केवल हर बार वन टू थ्री दिखना चाहिए, फोर के पास तुम खड़े हो फोर तुम्हें नहीं दिख रहा है, जहां पर तुम खड़े हो वहां से फोर नहीं दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें दिख रहा है वन टू थ्री, यहाँ से जहां फोर खड़े हो अब तुम वन टू थ्री घूम रहे हो, वहां से ये मत सोचना कि वहां वन है तो हमारे से होके हुए टू जा रहा है तो बीच में फोर आ गया, नहीं तुम यहाँ खड़े हो ये तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो वन से गए कहाँ गए, टू पे गए, तो वन फिर हमारे से होते हुए टू गया, इसका मतलब बीच में फोर उसको नहीं मिला है, तो बीच में फोर को हाइड कर देना, बराबर है, किसी के सामने कोई भी आएगा तो कंसेप्ट में बता दिया वो आपको निकालने, बराबर है क्या। चलो अब ये छोटा सा एग्जांपल हमने करा दिया, अब एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, एआरएस कॉन्फ़िगरेशन भी कैरल की तरह आसान होता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होता है। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो यहाँ मैंने OH ले लिया, यहाँ H ले लिया, यहाँ CHO ले लिया और यहाँ पर ME ले लिया, ये भी कैरल कार्बन है। तो पहला चीज तो ये है, ये POS नहीं है, COS नहीं है, कैरल है, तो ये 100% क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा, यानी इसमें ये लाइट को मोड़ेगा, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और ऑप्टिकल एक्टिव होगा इसका मतलब एक लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा, हम देखते हैं। कहने का मतलब इससे मैं जोड़ दूंगा, बट आप पहले आरएस निकालो, आरएस कैसे निकालेंगे हम इसका, तो ये अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, ओ और एच, यहां से हाइड्रोजन, यहां से CH3 और यहां से CHO, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अब देखो कैसे इसमें चेक करेंगे, वन टू थ्री फोर कैसे हम देखेंगे, हाइड्रोजन अगर है तो इसको बिना सोचे समझे क्या करेंगे, सबसे मास कम है इसका, इस कार्बन पे चार ग्रुप लगा हुआ है, एक दो तीन और चार, चारों डिफरेंट है, ABCD डिफरेंट, तो कायरल हो गया ये, तो ये फोर्थ नंबर जाएगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट हाइड्रोजन है जो कि मास में सबसे कम होता है, ये वन जाएगा, क्यों वन जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये वन और फोर तो हमने डिसाइड कर लिया, अब बात है टू और थ्री का, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ, सेकेंड क्या है, जब पहला सिमिलर हो गया तो कहां जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, तो दूसरा क्या है इसका, हाइड्रोजन, इसका दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है या नहीं है, और हमने एक्सपेंड करने के लिए डबल बॉन्ड का ऐसे लिखने के लिए बताया था, दूसरा हाइड्रोजन है, सर इसमें भी दूसरा हाइड्रोजन है ना, हायर को मानेंगे हम, हायर को मानेंगे, इसमें हायर जो होगा उसको चुनेंगे, तो इसमें हायर ऑक्सीजन है, इसमें हायर
कार्बन है, तो ये किसका मतलब ये हुआ कि ये टू नंबर इसको जाएगा और थ्री नंबर इसको जाएगा। तो कहने का मतलब वन और फोर तो डिसाइड हो गया था, तो टू ये जाएगा और थ्री ये जाएगा, बराबर है। टू और थ्री आपने डिसाइड कर लिया, इसका मतलब वन टू थ्री फोर आपने डिसाइड कर लिया, वन टू थ्री फोर डिसाइड कर लिया। अब फोर नीचे है, अब तुम यहाँ पर खड़े हो गए और मुड़ जाओ। कैसे मुड़ोगे? वन टू थ्री विजिट करो, वन टू थ्री विजिट करो, वन तुम्हें ये फोर नहीं दिख रहा है, वन टू थ्री कहाँ पर गए? आर हो गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? आर। चार नीचे है, उल्टा नहीं करना हमें, दिस वन इज आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, OH यहाँ कर लेते हैं, CH3 यहाँ कर लेते हैं, बराबर है, CHO यहाँ कर लेते हैं और H यहाँ कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो फिर से वही नंबरिंग कर देते हैं हम, चार ग्रुप लगा हुआ है तो इसको दे देंगे फोर्थ नंबर, इसको वन नंबर और इसको दे देंगे टू नंबर, इसको थ्री नंबर, होगा ना नंबरिंग। तो कहीं भी कुछ भी रखो, वन टू फोर तो वहीं जाने वाला है, तो वन टू फोर तो वहीं जाने वाला है। अब तुम चार पे खड़े हो गए, अब तुम्हें कैसे दिख रहा है? वन टू थ्री, वन टू थ्री ही विजिट करना है तुम्हें, ये मत सोचना कि वन फिर टू फिर थ्री, नहीं, तुम्हें यहाँ खड़े हो गए तो वन के बाद टू पे जाना है, तो वन टू थ्री, यानी कि इधर से इधर मत भाग जाना, ये चार पे खड़े होकर तुम्हें देखना है। तुमसे होकर गुजरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तुम चार नहीं दिख रहा है, मान लो वन है और यहाँ चार है और यहाँ टू है, तो ऐसे अगर जा रहा है तो सोच लो कि चार नहीं दिख रहा उसको, तो वन टू थ्री, तो वन टू थ्री कहाँ गए? एस गए, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस है, तो ये आर है और ये एस है। कहने का मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है, और ये लाइट को क्लॉकवाइज मुड़ाएगा और ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मुड़ाएगा। बेलगम स्टूडेंट, CHO हैज मोर मास देन OH, यही मैं बताया था तुम्हें ज्योमेट्रिकल में। ज्योमेट्रिकल में क्या बताया था? CHO हैज मोर मास देन, हम पूरे कंपाउंड को मास थोड़ा ना कंपेयर कर रहे हैं, वन बाय वन कंपेयर कर रहे हैं ना। ज्योमेट्रिकल में EZ निकालते समय क्या बोला था मैंने? पहला आइटम को कंपेयर करो, पहला आइटम कार्बन है और पहला आइटम ऑक्सीजन है, किसका मास गिरा ज्यादा? ऑक्सीजन का। हमें पूरे कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल्स का मास नहीं देखना है, वन बाय वन देखना है, पहला से जुड़ा हुआ चीज देखना है। इसे यहां पर पहला से जुड़ा हुआ क्या है? यहां पर पहला जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, पहला जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, पहला जुड़ा हुआ कार्बन है, पहला जुड़ा हुआ ये, पहला आइटम को कंपेयर करना है। चार नंबर एक नंबर, अब दो और तीन में कंपटीशन है, तो दो और तीन सिमिलर है, तो अगला आइटम पे जाएंगे। यहाँ अगला आइटम ऑक्सीजन है, इसका अगला आइटम हाइड्रोजन है, तो ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। तो पहले एक एटम का कंपेयर करना, मॉलिक्यूल्स को कंपेयर नहीं करना है, एटम वाइज कंपेयर करना है। सब ज्योमेट्रिकल में पढ़ाया हूं, जो ज्योमेट्रिकल में पढ़ाया था वही सेम चीजें यहां पर करना है। और ये सब भी बता दिया था, डबल बॉन्ड को कैसे एक्सपेंड करना है, डबल बॉन्ड को, या सी डबल बॉन्ड हो तो हम दो बार लिख सकते हैं, बराबर है। देखो अब आगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखते जाना सारे। नहीं कि बैठ के आराम से बेड पे लेक्चर सुन रहे हैं। नेक्स्ट ध्यान देना, CHO है, H है, COH है और यहाँ CH3 है। अब इसका हमें देखना है, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो CHO है, पहला हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, सी डबल बॉन्ड हो OH है और सी डबल बॉन्ड हो H है और यहाँ CH3 है। अब देखो कैसे कंपेयर करेंगे, पहला आइटम कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये फोर्थ नंबर चला गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास कार्बन से क्या होता है? कम होता है। तो वन टू थ्री में अभी कंपटीशन है, लेकिन फोर्थ तो डिसाइड हो गया ना, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो फोर्थ है। अब वन टू थ्री में अभी डिसाइड करना होगा, तब दूसरे आइटम पे जाएंगे। तो दूसरा आइटम इसका हाइड्रोजन है, इसका दूसरा आइटम ऑक्सीजन है, इसका दूसरा आइटम ऑक्सीजन है, इसका मतलब थ्री किसको जाएगा? इसको जाएगा, बराबर है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका एटम वाइज जाएंगे, मॉलिक्यूल्स वाइज नहीं। तो इसका और इसका सिमिलर था दूसरा एटम, तो तीसरा इसका, इसका तीसरा क्या था? हाइड्रोजन, इसका तीसरा ऑक्सीजन, इसका तीसरा ऑक्सीजन, इसीलिए चार के बाद तीन, यानी सबसे लोअर मास उसके बाद ये लोअर मास जाएगा, यानी एटम वाइज कंपेयर करना है, बराबर है। अब बात रहा टू और थ्री में कंपटीशन है,
वन और टू में कंपटीशन लगा हुआ है, तो तुम्हें मैं बताया था कि इसको कैसे तुम्हें लिखना है, सीएचओ को कैसे लिखने के लिए बताया था, ऐसे लिखने के लिए बताया था, और यहां भी तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ है तो उसको दो बार लिखो, ये लिखने के लिए मैं बताया था, ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन बार लिख दो, डबल बॉन्ड है तो दो बार लिखो। अब देखो ध्यान से, इसका पहला आइटम कार्बन, इसका पहला आइटम कार्बन, दूसरा क्या है ऑक्सीजन, इसका दूसरा क्या है ऑक्सीजन सेम, तीसरा क्या है ऑक्सीजन, तीसरा क्या है ऑक्सीजन, चौथा क्या है ऑक्सीजन, इसका चौथा क्या आ गया हाइड्रोजन, तो कम गिर गया, गिरा कि नहीं गिरा, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, तो पहला और ये पहला सेम मिला, दूसरा और दूसरा सेम मिला, तीसरा और तीसरा सेम मिला, चौथा और ये चौथा, इसका चौथा भारी गिर गया, जब चौथा भारी गिरा तो इसको हम नंबर वन देंगे और इसको नंबर हम टू देंगे। कहने का मतलब ये है कि चार नंबर यहाँ, दो नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ और तीन नंबर यहाँ, तुम चार पे खड़े हो गए, तुम घुमा दो अब एक दो तीन, एक दो तीन कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोल देंगे आ रही है। सबको समझ में आया, आसान है बिल्कुल, और ये जो रूल बता रहा हूं ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, आइसोटॉप्स क्या होगा, आइसोटॉप्स के लिए बताया था, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम उसके लिए बताया था, बराबर है। चलो तो इसको मैं हटा दूं, अब मुझे तुम बताओगे कि ये कंपाउंड में, इस कंपाउंड में OH OH H H COH और COH, इस कंपाउंड में हाउ मेनी काइरल कार्बन आर प्रेजेंट एंड अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 एंड विच नंबर ऑफ कार्बन, विच नंबर ऑफ कार्बन इज काइरल, ये चार कार्बन में से 1 2 3 4 में से कौन सा नंबर काइरल है, किसका किसका नंबर काइरल है, और जिसका नंबर काइरल है उसका तुम्हें आर एस बताना है, आर एस कॉन्फिगरेशन बताना है, यानी 1 2 3 4 में से जो काइरल होगा, क्योंकि आर एस तो हम काइरल वाला का निकालते ना, इसमें से तुम जिसका होगा उसका आर एस कॉन्फिगरेशन बताओगे, जल्दी से क्वेश्चन करो और करके मेरे को बताओ। एक आंसर आया, किसका है आंसर, ये सौरभ, सौरभ सौरभ का आया, उसके बाद SCM3 विवेक का आया, विभो जय सिद्धि का आया, बिल्कुल दो, टू और थ्री कार्बन आर काइरल, बिल्कुल करेक्ट है, तो काइरल वाला का मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, हाउ मेनी काइरल कार्बन एटम, तो इसमें दो और तीन काइरल है, बिल्कुल सही है, टू और थ्री आर काइरल, स्टार लगा लो इस पे, जहां काइरल होता है वहां स्टार से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो स्टार हमने लगा दिया। अब बताओ टू और थ्री का जब, अब यहां देखो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि नंबरिंग मालूम है तुम्हें करना, करने के लिए नोमेनक्लेचर पढ़ाया था ना नंबरिंग, यहां पर ये भी लगा हुआ और ये भी लगा हुआ, सब सिमिलर टाइप का है, तो नंबरिंग ऊपर से भी हो जाएगा नीचे से भी हो जाएगा, बराबर है, तो तुम इससे इस क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज कॉन्फिगरेशन ऑफ डाइट कंपाउंड, ऐसे लिखेगा 2R3S 2R3R 2S3S 2S3R। अब चार ऑप्शन में से तुम्हें बताना होगा कौन सा सही है, ABCD, चार ऑप्शन में से तुम्हें चुनना होगा कौन सा सही है, तो टू और थ्री, अब तुम्हें इस क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस बन जाएगा, बोलो क्यों, क्योंकि हम नंबरिंग नीचे से भी कर सकते हैं ऊपर से भी कर सकते हैं, एक बार करके देखो क्या आ रहा है, ऊपर से ही करके देखो क्या आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में जब मैं नंबरिंग करके दिया हूं तो तुम इसको टू मानो इसको थ्री मानो, उसके अकॉर्डिंग बताओ मेरे को जल्दी से क्या आ रहा है। चलो फर्स्ट आंसर आया
स्नेहा का लेकिन एक ही भेजी है। उसके बाद SCM3 हर्ष हर्ष हर्षवर्धन ओके। उसके बाद जय सिद्धांत सिद्धार्थ ओके। तो RS कॉन्फ़िगरेशन तो क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा आपसे, बराबर है? तो चलो देखते हैं। यहां मैं निकाल रहा हूं OH HC डबल बॉन्ड O OH और यहां है OH HCOOH। ध्यान से सुनना, RS कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। मैं तुम्हें बोलता हूं ऑर्गेनिक एग्जाम्पल करोगे तभी क्लियर होगा। ये दोनों कार्बन काइरल है, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है। एक ये ग्रुप और ये ग्रुप और इसके लिए पूरा ग्रुप, ये इसके लिए पूरा काम करेगा, इस कार्बन के लिए ये पूरा काम करेगा। एक ABCD चारों ग्रुप अलग है। इसके लिए देखेंगे ये ग्रुप ये ग्रुप और ये ग्रुप, अब इससे इससे मैच नहीं कराएंगे कि इसका इस कार्बन सेम है क्या। हमें इस कार्बन के बारे में देखना है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई रिलेशन नहीं कि हम इसका सर इस पे भी COH है इस पे भी COH है तो सिमिलर है ना, नहीं। इसके लिए देखना है तो इसके लिए सेपरेट ए है, ये सेपरेट बी है, ये सेपरेट सी है और ये सेपरेट डी है। इसमें और इसमें नहीं सोचना है तुम्हें, इसके जब इसके बारे में तुम सोच रहे हो तो उसके बारे में सेपरेट सोचो, इससे कोई लेना देना उसको नहीं है। जब इसके बारे में तुम सोच रहे हो तो इससे ये सोचो, इसके और इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में सोचोगे तो ये इसके लिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पूरा डी हो गया। दोनों में कोई सिमिलरिटी मत चेक करने लग जाना। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया काइरल कार्बन। ये काइरल नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पर तो ऐसे भी काइरल नहीं होता, चारों कार्बन डिफरेंट होना चाहिए। एक दो तीन ही ग्रुप लगा हुआ है, चौथा तो है भी नहीं, और डबल बॉन्ड में हम चेक भी नहीं करते हैं, तो ये कार्बन कभी काइरल हो ही नहीं सकता है। ये दोनों कार्बन काइरल है, और काइरल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होगा होगा ना। हालांकि ये मिजो कंपाउंड है तो हो सकता है कि वो काइरल एटम हो लेकिन काइरल मॉलिक्यूल्स नहीं है। दिस वन इज काइरल एटम बट नॉट ए काइरल मॉलिक्यूल्स। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे जब तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तब, मतलब पढ़ा तो रहे हैं बट वहां से जब रिलेशन बताएंगे तब। अब देखो यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला जुड़ा हुआ कार्बन इसके बारे में सोचते हैं, पहला जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, पहला जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, पहला जुड़ा हुआ कार्बन, पहला जुड़ा हुआ कार्बन। सोचो इस कार्बन से पहला जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर कार्बन है, तो किसको नंबर वन दोगे? दिस वन इज नंबर वन और दिस वन इज नंबर फोर, क्योंकि सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट ये काउंट हो गया, तो नंबर वन इसको जाएगा और नंबर फोर इसको जाएगा। सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट, पहला कार्बन ऑक्सीजन का मास सबसे ज्यादा होता है हाईएस्ट, और हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है लोएस्ट। कार्बन अभी बीच में अटका हुआ है, तो ये हमारा डिसीजन हो गया दोनों। अब कार्बन के बारे में चेक करना है, तो अब कार्बन का यहां से देखो, इस कार्बन पे एक्सपेंड करो ओ ओ और ओ और एच। अब इस कार्बन के बारे में सोचो, यहां लगा हुआ ओ और एच, यहां लगा हुआ हाइड्रोजन, यहां लगा हुआ कार्बन और यहां लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ओ और एच। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये तो डिसीजन हो गया हमारा, वन और फोर हो गया है, ये वन है और ये फोर है। अब टू और थ्री में फोर लगा हुआ है, रेसिंग है। तो इसके कार्बन के पहला वाला कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन है, वन और वन सेम मिला। टू क्या है इसका? ऑक्सीजन है। इसका टू क्या है? ऑक्सीजन है। अब थ्री इसमें मत चले जाना, अभी थ्री ये है, थ्री ये, फोर ये होगा, इधर जाओ, टू इसका ये है, इसका टू ये है, फिर से सिमिलर। तीसरा इसका क्या है? तीसरा ऑक्सीजन है। इसका तीसरा क्या है? या तो हाइड्रोजन होगा या तो ये होगा। पहले डायरेक्टली अटैच देखेंगे, डायरेक्टली अटैच देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो डायरेक्टली अटैच कौन है? तो टू या तो थ्री ये होगा या तो थ्री होगा, तो हम डायरेक्टली अटैच कार्बन को ज्यादा मानेंगे। तो इसका थ्री ऑक्सीजन कार्बन है, इसका थ्री ऑक्सीजन है, इसको हम क्या दे देंगे? इसको हम दे देंगे नंबर टू और इसको दे देंगे नंबर थ्री। यानी नंबर वन फोर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया था, नंबर टू इसको देंगे और नंबर थ्री इसको देंगे।
तो कहने का मतलब है थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लो, फिर पहला कार्बन उससे जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन, पहले जितना अटैच कार्बन है उससे लेके आओ, वन इसका वन, ये टू इसका टू, इससे जुड़ा हुआ तीसरा होगा, अब इधर मत चले जाना, इससे जुड़ा हुआ पहले देख लेना है सारा चीजें, सारे चीजें। तो ये हो गया वन फोर टू और ये हो गया थ्री, बराबर है क्या? अब तुम खड़े कहाँ हो? चार पे, तो देखो घुमाओ, कैसे घुमाओगे? वन टू थ्री, कैसे घूमे? वन टू थ्री क्लॉकवाइज घूमे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमे, घूमे ना एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो क्या होगा? एस, लेकिन उल्टा बोलना है, क्यों? क्योंकि चार यहां है, तो ये आर हो गया, तो टू पे क्या होगा? आर, तो टू इज आर, सबका आया है। लो सार्थक, सबसे लास्ट भेजा है, गलत है तुम्हारा, एस भेजो, उसके ऊपर वीवो फाइव ओसा ही है, उसके बाद जो ये है ए सी बी टू पूजा, उसका राइट है, फर्स्ट ऑप्शन बोली उसने, फर्स्ट टू आर थ्री एस, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन यही होगा, जब ये आर है तो ये एस होगा, ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा होगा, आर है तो मैं डायरेक्ट क्यों बोल दे रहा हूँ कि एस होगा, तो मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ कि ये आर है तो ये एस 100% होगा, क्योंकि ये मीजो कंपाउंड है और ये है ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये सब चीजें बाद में बताऊंगा, बट अभी हमें आर एस कॉन्फिगरेशन निकालना है, इसका निकल गया, दिस वन इज आर, अब इसका निकालो, किसका? इसका थर्ड वाले का, और थर्ड वाले का कुछ ऐसा ही निकलेगा, इसको हम दे देंगे नंबर वन, इसको दे देंगे नंबर वन, इसको नंबर फोर, और इधर से अभी अभी कंपेयर हमने करके लाया है, इसको दे देंगे नंबर टू और इसको नंबर फोर दे देंगे। तुम खड़े कहाँ हो? यहाँ पे घूमो, वन टू थ्री, सॉरी ये थ्री है, वन टू थ्री कहाँ घूमे? घूमे तुम क्लॉकवाइज, कैसे घूमे? क्लॉकवाइज, तो क्या होना चाहिए? आर, लेकिन चार यहाँ है तो क्या बोल दोगे? एस, आर को क्या बोलोगे? एस, जब चार यहाँ होगा तो आर को एस बोलोगे, तो यहाँ हो गया एस, तो ये 100% एस होगा, यानी थ्री एस, यही राइट आंसर है, फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। हाँ, अब देखो मल्टीपल चॉइस कैसे बन जाता क्वेश्चन, हम यहाँ ऊपर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं, तो ये आया एस, तो हम यहाँ पर अगर नीचे से करेंगे तो वन टू यानी टू एस और थ्री आर भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है, पूछो क्यों? नंबरिंग जब नीचे से करेंगे वन टू थ्री फोर, क्योंकि सिमिलर है नंबरिंग, हम कहीं से भी कर सकते हैं, तो टू एस भी होगा, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जेई एडवांस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, बराबर है, लेकिन हमने यहाँ पर नंबरिंग करके दिया है तुम्हें, इसलिए टू और थ्री इंडिकेट करके दिया है, इसलिए टू और थ्री क्या होगा? आर और एस होगा। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? ये आर एस निकालने में, आर एस निकालना सबसे आसान है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना आसान है, लेकिन सबसे थोड़ा इसमें डिफिकल्ट क्या है? वन टू थ्री फोर को काउंट करना, और वो मैं तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिखाया हूँ, पहला काउंट करो, फिर दूसरा काउंट करो, फिर तीसरा कंपेयर करो, ऐसा कंपेयर करना है, कोई डाउट नहीं है किसी को ना? ओके, जयस वॉन्ट प्लीज एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करो? नेक्स्ट एग्जांपल इज डाइट, ये एग्जांपल है, अब बताओ ये काइरल कार्बन है, चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है, तो मेरे को बताओ ये क्या होगा? लास्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट एग्जांपल में एक और ऐसा एग्जांपल लेके तुम्हें समझा दूंगा, ओके? वैसा एक और एग्जांपल लेके, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जांपल आने वाले हैं, तो ये सोच लो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री COS और RS और काइरल, अगर तुम्हें नहीं आता है तो ऑप्टिकल नहीं आएगा, अगर अच्छे से आता है तो ऑप्टिकल बहुत अच्छे से आएगा, और ये ITJEE का फेवरेट टॉपिक है, मान के चलना इसमें से एक दो क्वेश्चन हर साल उठाता है ये, नीट में भी, नीट जेई का अगर आइसोमिज्म से कोई क्वेश्चन आता है तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल और टोटोमिज्म से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, ये मान के चलना तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं तुम्हें स्ट्रक्चर पढ़ाने के पहले ये तीनों पढ़ाने की कोशिश किया था, क्योंकि स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, पोजिशन और चेन वो जानना बहुत आसान होता है। चलो, सबका आया आर, केवल एक दो का ये सार आया है, अखिलेश का ये आर आया है, सार्थक का आर आया है, स्नेहा का एस आया है और भावेश का आर आया है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या आया है, तो यहाँ पर ओ है और यहाँ पर एच है, यहाँ पर सी है, डबल बॉन्ड ओ है तो ओ एक्सपेंड कर दो, और यहाँ सी एच टू है
और यहाँ ओ एच है, एच है, एच है, एक्सपेंड करने तो आता है तुम्हें। अब देखो पहला कार्बन क्या है, ऑक्सीजन, पहला कार्बन यहां से लिख दो, पहला ऑक्सीजन, पहला कार्बन, पहला कार्बन, और इधर हाइड्रोजन। अब 1/4 तो तुम्हें मिल गया ना, दिस वन इज 1, दिस वन इज 4। अब 2 और 3 में कंपटीशन है, क्योंकि सबसे लोएस्ट मास, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं तो, यहाँ सबसे लोएस्ट मास और सबसे हाईएस्ट मास, हाईएस्ट मास, लोएस्ट मास, ये तो मिल गया ना। अब बात रहा इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में देखो कैसे देखेंगे, ये पहला कार्बन और कार्बन दोनों सिमिलर मिला तो दूसरे पे जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है इसका, ऑक्सीजन, इसका दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ से गए तो ऑक्सीजन मिला, इधर से गए तो ऑक्सीजन मिला, दूसरा भी सेम मिला, तीसरा क्या होगा इसका। अब तीसरा इधर मत चले जाना, तीसरा इधर ऑक्सीजन है, तीसरा इधर हाइड्रोजन है, बराबर है क्या, इधर मत चले जाना, तीसरा कंटिन्यू मत जाना, यहां इसके सारे एलिमेंट को पहले निपटा देना, इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली सारे को, तो इसका 2 माने तो ये 3 होगा, ये 4 होगा। हालांकि उतना आगे जाने को जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसको 3 मत बोल देना कि उससे जुड़ा हुआ 3, इससे जुड़ा हुआ पहले सबको निपटाओ। ये 1 है, इसके ब्रांच से जितना लगा होगा वो 3, 4, 2, 3, 4 होता जाएगा। ये 2, इसका भी 2, ये अब इसका ये 3 है, इसका ये 3 है, ये 3 हाइड्रोजन है, इसका 3 ऑक्सीजन है, इसका 3 हाइड्रोजन है, इसका 3 क्या है, ऑक्सीजन है। भारी गिर गया, बाकी हम आगे नहीं बढ़ेंगे अभी, ये यहीं पर डिफरेंशिएट क्रिएट हो गया, ये भारी गिर गया। जब ये भारी गिरा, बराबर है क्या, जब ये भारी गिरा तो इसको क्या गिरे बोलेंगे, ये हो गया नंबर 2। तो दिस वन इज 4, दिस वन इज नंबर 1 और दिस वन इज नंबर 2, सॉरी दिस वन इज ऊपर वाला नंबर 2 है और दिस वन इज नंबर 3। 1, 2, 3 डिसाइड हो गया, घूम जाओ, 1, 2, 3 कहां से खड़े हो गए, 4 पे, 1, 2, 3 कहां घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, यानी एस होना चाहिए, लेकिन 4 यहां पर है, इसको क्या बोलोगे, आर बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, आर बोलोगे। ये मैं तुम्हें ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो ध्यान रखना इस चीज को, इसको क्या बोलोगे, आर बोलोगे। तो दिस वन इज आर, आर इज आंसर राइट, बराबर है। चलो आज का लेक्चर हो गया, कल मैं अभी इसके ऊपर एग्जांपल्स कराऊंगा, और एग्जांपल्स कराने के बाद कल थोड़े टाइम एग्जांपल कराएंगे, उसके बाद हम रिलेशन बताएंगे, इन एनसीओमर में क्या रिलेशन होता है, मीजोफॉर्म किसको बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, डायस्टेरियोमर किसको बोलते हैं, आइडेंटिकल किसको बोलते हैं, 5-6 रिलेशन तुम्हें बताएंगे। उसके बाद रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक था, कौन कितना एंगल मुड़ाता है, कितना एंगल नहीं मुड़ाता है, कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, यानी थोड़ा सा हम फिजिकल से इसको जोड़ देंगे, यानी कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए तो इसका रोटेशन कितना होगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम उसमें एनेंसियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, कि डायस्टेरियोमर का फिजिकल सेम होता है, कि कौन इंटरनल कंपनसेट होता है, कौन एक्सटर्नल कंपनसेट होता है, मीजोफॉर्म क्या होता है, रेसमिक फॉर्म क्या होता है, सारे चीजें हम अब रिलेशन, यानी मेन पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। ये मेन पार्ट ही हमें 4-5 चीजें सीखने होते हैं, उसके बाद जब आगे आएगा ऑप्टिकल तो वो भी इससे ही, मतलब उसको जानने के लिए ये जानना मस्ट होता था, तो जब ये जान गए तो वो जानना आसान हो जाता है। उसको मैं केवल बस ये मतलब तुम्हें चलना सिखा दिया, और जब दौड़ने जाओगे तो इसका यूज पड़ेगा और ये आसानी से हो सकता है। ओके, थैंक्स टू ऑल।